हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2018 के बारे में, क्या लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको एसएससी सीएचएसएल के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम यहाँ पे हो चुका है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो हमारा टीयर टू का रिजल्ट है कब तक आ जाएगा, सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए और कितने मार्क्स का हम यहाँ पे टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, कब से टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो जितने भी डाउट है दोस्तों, आपके सारे डाउटों का इस बार हम यहाँ पे रिप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, वीडियो को देखें अंत तक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्होंने आपको यहाँ पे टीयर टू का एग्ज़ाम दिया है। अब बात करें दोस्तों, आपका जो टीयर टू का रिजल्ट है कब तक आने की संभावना है। तो दोस्तों, अभी अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि आप सब लोगों को पता है एसएससी अब जल्दी जल्दी यहाँ पे सारे काम कर रहा है, जो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम निकाल रहा है, जो रिज़ल्ट है वो भी टाइम टू टाइम निकाल रहा है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं दोस्तों, एसएससी का जो टीयर टू है सीएचएसएल का, वो कब तक आ जाएगा रिज़ल्ट हमारा। तो अगर रिज़ल्ट की बात करें तो लगभग लगभग दिसंबर में आपका यहाँ रिज़ल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है, मिड दिसंबर तक जो आपका रिज़ल्ट है यहाँ पे, यानी बात करें थर्ड वीक ऑफ दिसंबर या दिसंबर के लास्ट तक आपको यहाँ रिज़ल्ट आपका देखने का मौका मिल सकता है टीयर टू का। और इसके बाद आपके यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होनी है। और दोस्तों, हमने कट ऑफ से रिलेटेड आपके लिए पहले से एक वीडियो बना रखी है। उसके बाद अगर अब ज़्यादा स्टूडेंट्स के और मार्क्स हमारे पास आएंगे उसी के बाद हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मार्क्स शेयर करे थे। उसके बाद लगभग उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आए थे, इसीलिए हमने जो कट ऑफ है वो आपके लिए पहले से ही बता रखी है। और आप अपने यहाँ पर टाइपिंग धीरे धीरे स्टार्ट करना, सॉरी दोस्त, अपनी टाइपिंग यहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे जाके आप कोई भी दिक्कत ना हो। टाइपिंग से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपके अच्छे खासे नंबर हैं, आप धीरे धीरे अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है अगर आपके नंबर है, अगर आप टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सीएचएसएल के एग्ज़ाम में टाइपिंग जो टेस्ट है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है लास्ट में। तो दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट की अपनी धीरे धीरे रोज़ का 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे आप अपने लिए निकालो टाइपिंग टेस्ट के लिए, और रोज़ प्रैक्टिस करो। और दोस्तों, कट ऑफ से रिलेटेड हम वीडियो आपके लिए पहले से डाल चुके हैं, वहाँ पे आप नीचे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सीएचएसएल 2018 की जो सेफ स्कोर है, कट ऑफ है क्या रह सकती है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो फिलहाल यही कुछ लेटेस्ट अपडेट है, और आपका जो रिज़ल्ट है टीयर टू का लगभग लगभग दिसंबर के थर्ड वीक या फोर्थ वीक तक यहाँ पर आपको देखने का मौका मिल सकता है। तो फिलहाल यही कुछ लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों आप सब लोगों के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे, हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।